राम राम भाई। भाई आज आप लोगों को पता होगा बेरोजगारों की अदालत लगी है, हजारों बालक पहुंचे जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं और जिनका ये मान लो पिछले 4-5 साल से दुखी हो रहे हैं। जय गुरु पे 56-57-1-2 हरियाणा पुलिस जे अलग अलग चीजें हैं, तो बहुत से जो परेशान थे वे आज आए हैं और अभी ये रात को इन्होंने निर्णय लिया आड़े रुकेंगे भाई। तो सारे के सारे आड़े रुक रहे हैं ये भाई, काफी संख्या में है जो आड़े बैठे हैं। यो टेंट है, तंबू है। तो मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है जो आए नहीं आते नहीं। हालांकि आज हजारों बच्चे आए थे, बहुत बढ़िया एक अपना शानदार प्रदर्शन था आप लोगों का और सरकार का फर्क पड़ा है, बहुत गणिता बीमारी है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, मुख्यमंत्री साहब इन बड़का ने ज्वाइनिंग दे दो, नौकरी दे दो। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कितने भी जागा कि मैं भी करो, यहाँ कोई किसी पार्टी के तो नहीं हो भाई तुम्हें? ये बात लागे बता दो, किसी पार्टी के तो नहीं हो? किस पार्टी का नहीं है कोई? कोई ना ये सरकार के है ना ये विपक्ष के, ये बेरोजगार है सारे के सारे। तो मेरी मुख्यमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है और विपक्ष वालों से भी रिक्वेस्ट है, आप इनकी सबकी आवाज उठाओ भाई। और जो नए नए टिकट के चक्कर मांड रहे वे भी उठाओ, और सबसे ज्यादा उनके लिए जो 25,000 बड़का ने नौकरी मिलनी है भाई, जिसके हाथ पांव टूट रहे हैं, बीमार हो रहा है, कोई इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, नहीं था भाई सब बनाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, ताकत दिखाओगे गिनती होगी। और आज के हालात से आप लोगों ने देख लिया होगा, अब जो आज हुआ है तो उसका मैसेज पूरे हरियाणा में गया है। आप लोगों का मुद्दा जिंदा रहे, इसलिए भाई हम तो आप लोगों को जीजा छोटा मोटा सारा है वो दे रहे हैं, एक बड़ा भाई होने के नाते। और क्योंकि आप जिस पीड़ा में तकलीफ में, हमने बेरा है, हमने ये महसूस करी है, बेरोजगारी ये दंश हमने भी झेले हैं। तो कल रविवार को सारे भाई आ जाइयो भाई, अपने यार दोस्त रिश्तेदार, क्योंकि यार दोस्त रिश्तेदार कौन हो है जो मुसीबत में काम आवे और वो सर पर ठाए हंडे जाओ, उनका कोई फायदा नहीं होता भाई। तो आप सब साथियों ने, अरे भाई ये मतलब न्यू मां छोटी बात मत मानियो, ये आड़ रात ने बैठे हैं जो ये डरावे थे ना इनने, भाई कोई डर लग गया तुमने? बिल्कुल नहीं। अरे भाई कति नहीं डरते, ना तो लट्ठा दे डरते, कोई न्यू सोचे अगर लठ मार लो तो भाई बेसक लठ मार लो, पहला मारा लग जाएगा लठे, इन बड़का का तो लागण नहीं दूंगा, लागे भी गा तो पहला मेरा लगेगा, दूसरा थारा लगेगा भाई, ना केस लागण दू, केस लागेगा मेरे पे लागेगा, इन पे नहीं लागेगा, मार दो रे बतेरे केस वाले। हम सरकार से भी सिर्फ ये कह रहे हैं, अब जेन्युइन इशू है और ये जेन्युइन इशू आप चाहे चुनाव आयोग से लो परमिशन, चाहे आप हाईकोर्ट से लो, आप कहीं से कुछ भी ले लो, आज का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था और कल का उससे भी ज्यादा शानदार होना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकूं हूं आज, मतलब सोशल मीडिया पे अपना काम करो, जो यहाँ नहीं कर सकते भाई नहीं आ सकता, जो मुसीबत है, किसम है, संकट है और किसम के में समस्या है। तो इसलिए आप सब से मैं यह कहना चाहूँ एक बार, एक इसलिए सबको मेरी तरह रिक्वेस्ट है भाई, और तो बाकी भाई थारी मर्जी है, मैं ज्यादा बाकी ये लड़ने लड़ा के तैयार हो ना भाई सारे, ये भाई दोनों हाथ ठाकर बता दो, एक बार दोनों सारे ठा लो भाई सारे हाथ एक बार, तो भाई अड़े माछरा में सोएंगे बाड़ागे, सारे पढ़े लगे हरियाणा ही क्रीम है, अफसर लागेंगे ये, लेकिन जब भी लागेंगे जब अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो भाई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, मुख्यमंत्री साहब आपने कहा था, आपने वादा करा था, वादे ने निभा दो, ये तो किसी के वोटर तो है नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं। तो मजबूती से ताकत से आज आप लोग आए, आपकी एनर्जी बहुत तगड़ी थी, लेकिन आपसे अब मैं ये कह रहा हूँ अक्कल और तगड़ी एनर्जी से इसे आप तो पीछे हटते नहीं, बाकी थारी मर्जी भाई। जय हिंद, जय भोलेनाथ। राम राम भाई। भाई आज आप लोगों को पता होगा बेरोजगारों की अदालत लगी है, हजारों बालक पहुंचे जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं और जिनका